आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। समाजवादी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन के आंधी में भाजपा का तंबू खड़ गया। गाजीपुर के जमालिया विधानसभा के फूली गांव स्थित आदित्य इंटर कॉलेज के प्रांगण में मंगलवार को सपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह के समर्थन में जैसे ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान हेलीकॉप्टर से आदित्य इंटर कॉलेज प्रांगण का चक्कर लगाना शुरू किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गगनचुंबी नारा लगाने लगे। चुनावी सभा में लोगों की खचाखच भीड़ देख ओम प्रकाश राजभर ने मंच पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा, भाजपा को देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए किसान बेरोजगार युवक व्यापारी पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं, इनकी पूरी हवा निकल चुकी है। इसको देश से ही नहीं प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए सपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी की मजबूत गठबंधन बन चुकी है। राजभर ने कहा, सपा की सरकार बनते ही बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, इलाज के लिए सरकार पैसा देगी। सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह को भारी मतों से विजय बनाने के लिए एक एक वोट की जरूरत है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के लहर में भाजपा की नींव हिल गई। एक तरफा कार्यवाही करने वाला तानाशाह मुख्यमंत्री योगी कुर्सी छोड़ भागने की फिराक में इधर उधर देख रहा है। सपा की आंधी में भाजपा उखड़ गई। किसानों बेरोजगारों नौजवानों व्यापारियों के दुश्मन भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए लोग एक कतार में खड़े हो चुके हैं। सिंह ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, भाजपा का सफाया होना तय है। सपा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर पूर्व मंत्री सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, इस पार्टी के मुखिया समेत अन्य बड़े और छोटे नेता झूठ बोलते हैं। भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, इसके नेता झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा का एक विशाल विधायक महिला की हत्या कर रहा है, दूसरा मंत्री पुत्र किसानों को गाड़ियों से रौंद रहा है, दोनों पीड़ित परिवारों के साथ सपा के लोग दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी जिसने हर वर्ग हर क्षेत्र में विकास करके दिखाया। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा, भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए अपने लोगों को समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने के लिए ओम प्रकाश सिंह को जिताने की अपील की। बुलडोजर बाबा की गर्मी जनपद गाजीपुर की जनता उतारने के लिए व्याकुल हो गई। योगी बाबा को गोरखपुर मठ में एक बार फिर जाना पड़ेगा। अंत में सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह भीड़ में उपस्थित लोगों का अभिवादन और स्वागत किया। इस अवसर पर मंचासीन रहे पूर्व लालता प्रसाद निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवा, जिला अध्यक्ष रामधारी यादव, पूर्व मंत्री प्रतिनिधि मन्नू सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य दयाशंकर यादव, आकाश यादव, बसंत यादव, अरविंद सिंह, जितेंद्र, अनिल यादव, राहुल यादव, पूर्व ग्राम प्रधान विजय यादव, राजेश कुशवा, सुनीलम, अरुण कुमार, प्रोफेसर संदीप यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मौके पर सुरक्षा की व्यवस्था में तैनात क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण के अलावा कोतवाली प्रभारी संपूर्णानंद राय, पुलिस टीम के साथ विभिन्न थाना पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।